हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विंडो 10 को एक्टिवेट कैसे करें। देखो, आप यहाँ लिखा आ रहा है कि विंडो 10 एक्टिवेट नहीं है, तो हमको इसको एक्टिवेट करना है। और आज हम बहुत सिंपल ट्रिक से विंडो को एक्टिवेट करेंगे बिना किसी प्रोडक्ट के यूज किए। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम में, या फिर जो भी आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे होगे उसमें जाओगे। अब यहाँ पर हमको लिखना है bit.ly windows.txt। इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमको जो फर्स्ट वाला आएगा MS Guides का, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आप ये कोड देख रहे हैं इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी, और हम इसको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे यहाँ पे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसको खोलकर इसके बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमने कोड कॉपी किया है। और उसके बाद यहाँ पे हम उसको सेव करेंगे। सेव हमको करना है, ये डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। यह फाइल नेम के आगे हमको कुछ भी नाम लिखना है, जैसे ए, लेकिन उसके बाद हमको डॉट लगाकर CMD लिखना है, क्योंकि हमको ये CMD में ओपन करना है। तो ये एक्सटेंशन लगाना हमको CMD का। ओके, सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हमको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद दिखा रहा है आपको एक्टिवेटिंग योर विंडोज़, तो वेट करो थोड़ा। यहाँ पर आप विंडो 7, 8, 8.1 और 10, कोई भी विंडो आप एक्टिवेट कर सकते हो फ्री में। सो आफ्टर 5 मिनट्स तो आपकी विंडो एक्टिवेट हो गई है। ओके, तो आप यहाँ से कट कर देंगे इसको। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है जो आप यहाँ पे लिखा रहे थे एक्टिवेट विंडो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।